वेलकम फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक 7 स्टार्ट करते हैं मैथ 6-2 का रिलेटेड थ्योरम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव पढ़ा है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्यों हम पढ़ते हैं, क्यों यूज़ आता है हमारे लिए, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में पार्शियल डेरिवेटिव लेने के लिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव नेसेसरी है। ठीक है, अब इसमें थ्योरम की हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। मीन्स इसकी जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम तब होगी, किसके इक्वल होगी मैक्सिमम, जब हम डेल फाई का जो वो मैग्नीट्यूड लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड उसके इक्वल होगी इसकी मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो वैल्यू होगी वो उसके डेल फाई के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स वाई जी, इसके डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इक्वल किसके होगी, जब हम डेल फाई का मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, आपको पता है कि जो भी वैल्यू मैग्नीट्यूड में लिखी होती है वो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट में लिखते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मोड है, इसे मोड भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ डेल फाई। किसकी डायरेक्शन में ये होगी वैल्यू, डेल फाई की डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ पर आपको पता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस का मतलब हम एक्स वाई जी जिस डायरेक्शन में हम लेना चाहें उस डायरेक्शन में जो पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। एस मैंने ऐसे ही लिख लिया है, एक्स की डायरेक्शन में लेंगे तो एक्स लिखेंगे, वाई की डायरेक्शन में लेंगे वाई लिखेंगे, और जी की डायरेक्शन के लिए जी लिखेंगे। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि डेल फाई इंटू यूनिट वेक्टर ए, सही है। अब इसमें पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एस, इसमें मैग्नीट्यूड लेंगे, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे कॉस थीटा। अब आपको पता है कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वन, वन का मैग्नीट्यूड हमेशा वन ही होता है। अब ये जो थीटा है, ये जो एंगल है किसके इक्वल है, डेल फाई इसके और यूनिट वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। अब आपको पता है कि कॉस की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो माइनस वन होती है और मैक्सिमम वैल्यू वन होती है। अब जब हमें इसकी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा माइनस वन के इक्वल लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वन। थीटा इज यहाँ पर कॉस है, कॉस यहाँ का इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स ऑफ वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जो भी हम लेते हैं एक्स का या वाई का या जी का, वो ज़ीरो के इक्वल तब होगा जब कॉस जो है वो 90 होगा। आपको पता है कॉस 90 पे क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि आप कॉस जो एंगल होती है ना वो हमेशा एक्स एक्सिस पर होती है और वाई एक्सिस पर हमेशा साइन एंगल होती है। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर 90 से 180, ये आपने क्वाड्रेंट सिस्टम ज़रूर पढ़ा होगा, तो ये जो एंगल है ये वर्टिकल एक्सिस जो वाई एक्सिस पर कभी कॉस एंगल नहीं एग्जिस्ट करती, इसलिए हमेशा यहाँ पर हम जो 90 पर 240 पर कॉस हमेशा क्या होती है, ज़ीरो होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जब पार्शियल डेरिवेटिव किसी भी नंबर का वो ज़ीरो के इक्वल तब होगा जब कॉस की वैल्यू 90 अगर ली। ठीक है, कॉस ये माइंड में रख लें कि एक्स एक्सिस पे हमेशा कॉस एंगल होती है और वाई एक्सिस पे हमेशा साइन एंगल होती है।